चलिए सर, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी का प्रूफ। सब बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे कुछ वैसी चीजें पहले मालूम करना चाह रहा हूँ जो हम यूज करेंगे। पहले सब बच्चे तो सब आप मुझे ये बताइए कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। यस, ये चीजें बेटे हम थ्योरम में यूज करेंगे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। अब जरा ध्यान से सब बच्चे समझिए प्लीज कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे पास क्या है, ये ट्राइंगल है। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, फिर मैं यूज करूंगा। ये ट्राइंगल, और मैं ये कह रहा हूं डायरेक्ट कि भाई ये वाली साइड मेरा बेस है, और मैं क्या करूं यहां से इसके अपोजिट वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर भी डाल दूं, ठीक है सर, और मैं इसको कह दूं एच, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या कहेंगे आप? इसको मैं कह दूं बी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, यस और नो? जी सर। यस सर। सपोज ये हमारे पास ये ए बी सी है और ये हाइट ए डी है, तो आप यहाँ कह देंगे सर कि भाई बेस हो गया बी सी और हाइट हो गई सर ए डी। जरा खुद सोच के बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास है ए बी सी, ठीक है सर। अगर मैं बी सी को बेस लेना चाहूं तो सर हाइट कौन सी होगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? क्या सर? मैंने आपसे कहा इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बीसी को बेस लेना चाहूं तो मैं हाइट कौन सी लूंगा, मेरे पास अपोजिट वर्टेक्स तो ए है, अपोजिट वर्टेक्स ए से क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करना पड़ेगा सर। सर बीसी तक एक्सटेंड करेंगे सीधी स्ट्रेट, ए से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए सर, तो ए से हम क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर बाहर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा? बाहर। तो बीसी को हम एक्सटेंड कर लें सपोज करो, जॉइन कर देंगे, ये हमारे पास होगा। तो ध्यान रखना इस ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के लिए बेस हमारा होगा बीसी और हाइट हमारा होगा ए डी, यस और नो? समझ में आया कुछ या नहीं आया? ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, देखो एक्चुअली हाइट का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर हो, हाइट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा बेस है और जो हमारा टॉप का वर्टेक्स है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट डिस्टेंस, 90 डिग्री डिस्टेंस, ठीक है, उससे हम हाइट कहते हैं। जैसा मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो सड़क पे कोई पोल गिरा हुआ है ऐसे, और ये सड़क है, ये सड़क जा रही है, अब मैं कहूँ पोल की हाइट क्या है, अब पोल जो था वो सपोज करो 10 मीटर का है और पोल झुका हुआ ऐसे है कि ये 5 मीटर पे आ रहा है, तो आपसे अगर पूछूं कि पोल की लेंथ कितनी है तो पोल की लेंथ तो है 10 मीटर लेकिन पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर। ये ध्यान रखना, इसको हम यूज करेंगे थ्योरम में। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, दोबारा से देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे, ये मेरे पास ट्राइंगल है, और मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, ठीक है सर, दोनों में एक साइड कॉमन हो गई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, तो दोनों में ये वाली साइड कॉमन है ए सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुद समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने ए से ये परपेंडिकुलर डाला है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ बी सी इंटू ए डी। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा? सारे बच्चे बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं? दोनों का बेस तो अलग है मान लिया, लेकिन दोनों की हाइट सेम है। सेम है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
तीसरी चीज समझ लीजिए, ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी जब छोटे छोटे से पॉइंट समझ में, और ये पॉइंट समझ में आ गए आपको, हो गया सर मजा आ गया, हो गया थ्योरम्स हो गया, और 4 मार्क्स के लिए आएगा इंशाल्लाह। और 4 नंबर सर जी आपके एग्जाम के बाद आप 4 लाख रुपए लेके जेब में घूमना, आपके 4 मार्क्स नहीं बढ़ सकते। बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप 4 लाख रुपए देने लगोगे सर 4 नंबर बढ़ा दो, तो सर 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब आप सोचो आज इंशाल्लाह जो हम सीख रहे हैं वो 4 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो मम्मी पापा को बता देना आई अर्न 4 लाख रुपीज टुडे। ठीक है सरवान, बहुत पैसे बच गए, बहुत पैसे बच गए माशाल्लाह, वेरी गुड। आइए देखिए अब तीसरी चीज सुन लीजिए, आप सब बच्चों ने पढ़ा है, अगर आपको याद हो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स पढ़ रहे थे 9th में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो वहां पे आपने 2 थ्योरम पढ़े थे बेटे अगर याद हो आपको, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यस, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीबीसी, और दोनों का बेस सेम है बीसी, और दोनों जो है सर वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी और ये लाइन पैरेलल है बी सी, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। तो क्या आपको याद है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी? डीबीसी, यस सर। हाँ भाई सब बच्चों को याद है क्या ये? ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, बेस कौन सा है हमारे पास, बी सी है ना कॉमन, और बी सी पे आपने ए बी सी बनाया और बी सी से आपने बी डी सी बनाया, तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो ये हमारे पास 3 चीजें हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, दूसरा मैंने आपसे कहा जो आपका एक्यूट ट्रायंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर इनसाइड होता है हाइट, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में बाहर होता है, और अगर 2 ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस दे हैव इक्वल एरिया। इन 3 चीजों को याद रखो और थ्योरम को देखो। अब आइए सर जरा ध्यान से, अब सब बच्चे हमारे पास थ्योरम क्या है बेटे, हमारे पास थ्योरम ये है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, कि भाई हमारे पास है ये ट्रायंगल, एबीसी और इसमें ये लाइन है सर डी। तो जब हम ज्योमेट्री करेंगे बेटे तो हमें 3 स्टेप्स एटलीस्ट लिखने हैं, मेंशन करने हैं कि व्हाट इज गिवन, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये गिवन है, डी इज पैरेलल टू बीसी, व्हाट इज टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है रेशो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ये बात समझ में आ गई आपके पास sir. गिवन क्या है, लाइन पैरेलल है इन ए ट्रायंगल, आपको प्रूफ क्या करना है, रेशो सेम करना है। अब आप सब बच्चे ध्यान से देखो, मुझे 3rd लाइन जो होती है वो प्रूफ की होती है कि हमें प्रूफ देना है, बट समटाइम वी नीड सम कंस्ट्रक्शन टू टेक सम स्टेप्स, तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो जरा ध्यान से सब बच्चे समझिए। तो 4th स्टेप हो जाएंगे अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो, कंस्ट्रक्शन सब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ई से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं EF, और हम क्या कर रहे हैं, हम BE को ज्वाइन कर रहे हैं, हमने BE को ज्वाइन किया है और EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम यहां मेंशन कर रहे हैं ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AD, ये बस, एंड ज्वाइन BE, ये बस सर सही है, यस सर।
अच्छा हो गया था, यस, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सब बच्चे देखो, मैं जरा अपने लैपटॉप को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ. अभी मेरा हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देखना उस चीज को जो मैं चाह रहा था, तो वो तो हो गया था. जरा देखो, हमारे पास क्या है अब, जरा प्लीज सब बच्चे जिसपे मैं फोकस करने को कहूँ सिर्फ उस पे फोकस करिएगा प्लीज. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे, आप सिर्फ फोकस करिए ट्राइंगल ए डी ई. सब बच्चे प्लीज फोकस करेंगे. ये वाली लाइन समझ लीजिए, दूसरी वाली आप अपने आप सिमिलरली करके भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा. अभी तक हमने कुछ किया नहीं है क्वेश्चन में, हमने सिर्फ कहा कि ये गिवन है, ये प्रूव करना है, इसके लिए हमने ये किया है. मैं आपसे कह रहा हूँ जस्ट फोकस ऑन द फिगर्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ए डी ई, ओके. एंड आप दूसरा उसके साथ ले लीजिए एक फिगर बी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कंपेयर करिए. ठीक है सर, आइए बेटे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मैं यहां से प्रूफ लिख रहा हूं. प्रूफ, ये लाइन अगर सब बच्चों ने समझ ली तो नेक्स्ट लाइन तो आप कह दोगे सर सिमिलरली, और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, थ्योरम हमारी खत्म हो जाएगी. हम आपसे क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल, जो मेरा येल्लो ट्राइंगल है. नाम बताओ अगर आप उसको फोकस कर रहे हो तो, येल्लो वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ADE. Yes. नाम पता होना चाहिए, बेस क्या लेंगे, हाइट क्या लेंगे, ये आपको सब कंसीडर. यस, बी डी ई मतलब जो हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी. मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को कंपेयर करना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब जरा सोचो आप सब बच्चे, जो येलो वाला ट्राइंगल है वो जस्ट लाइक एन एक्यूट ट्राइंगल, जस्ट लाइक एन. Yes, आप चाहो तो अपने मोबाइल को जरा रोटेट करो जिससे कि AB आपका बेस बन जाए. आप लोग सब बच्चे AB को घुमाओ तो AB आपको, अभी BC बेस नजर आ रहा होगा, AB बेस बन जाए तो देखो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ होगा क्या, किस तरह से आपको नजर आएगा जब ये बेस बनेगा. तो जो मैंने अभी किया था ये इस तरह से बेस बनेगा, ऐसे बनेगा जो भी हम फिगर ड्रॉ कर रहे थे. तो ये हमारे पास आएगा E, ये हमारे पास आएगा A, ये हमारे पास आएगा D, ये हमारे पास आएगा B, और यहां से हमने ये परपेंडिकुलर डाला है बेटे F. तो अब आप खुद सोचो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ADE की. ये हमारा AD ट्राइंगल है, तो इसमें बेस हमारा हुआ AD और हमारी हाइट हो गई EF. यस और नो? यस सर. ये हमारे पास है, तो हम क्या कर रहे हैं अब जरा यहाँ लिख लीजिए जो हमारे पास है, इसमें लिख लीजिए. बताओ भाई हमारे पास जो ADE है उसका बेस क्या है? AD. तो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट हमने ड्रॉ करी हुई है बेटे, क्या ड्रॉ करी हुई है? EF अपॉन. सब बच्चे प्लीज ध्यान से, नीचे वाला ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में बेस क्या होगा बेटे? BD. तो उसका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट. क्या हाइट उसमें भी सेम होगा? यस और नो? यस सर, हाइट सेम है. यस हां भाई, सब बच्चे बताइए, मैंने अभी आपसे कहा भी था कि ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में हाइट वो ही रहेगा. यस और नो? यस सर. अगर ये बात समझ में आ गई तो आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो चुका है. कैसे सॉल्व हो चुका है? यहाँ देखो बेटे ध्यान से, क्या हम EF से EF कैंसिल कर दें? यस सर. और हाफ से? क्या हम हाफ से हाफ कैंसिल कर दें? यस सर. तो क्या हमारे पास AD अपॉन BD आ गया? आ गया सर. और जरा देखना हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था AD अपॉन DB. यस और नो? यस सर. तो एक चीज तो हमारी आ गई, अभी हम करेंगे. अब जरा दोबारा से देखो सब बच्चे, प्लीज दोबारा से देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ,
मैं आपसे कह रहा हूँ अगर जैसे हमने ई एफ ड्रॉ किया था, अगर ऐसे ही हम डी जी ड्रॉ करें, डी जी ऐसे डी जी परपेंडिकुलर, और हम डी सी को ज्वाइन कर दें, किसको ज्वाइन कर दें, डी सी को, जरा ध्यान से देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, डी जी को ड्रॉ किया है और डी सी को ज्वाइन किया है, और मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूं कि अब आप फिर ऊपर वाले ट्राइंगल को, ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करिए, लेकिन इस बार इस वाले राइट साइड वाले ट्राइंगल को, जहां हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहां लिखिए पहले तो, कि भाई आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ज्वाइन डी सी, और हम किसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गया, दैट इज अवर डी। अब हम क्या कह रहे हैं, अगेन हम दोबारा से इन्हीं ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ये जो हमारा स्काई ब्लू ट्राइंगल है डी ई सी हाफ बेस, जरा आप मुझे बताएंगे डी जी परपेंडिकुलर है तो बेस किसको लू मैं, ए ई और परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है डी जी है, अच्छा नीचे वाले ट्राइंगल के लिए बेस किसको लू मैं, ई सी यस, और परपेंडिकुलर इसके लिए भी क्या होगा, डी जी क्या डी जी से डी जी कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, व्हाई नॉट, क्या हमारे पास ए ई अपॉन ई सी आएगा, यस सर, तो ये हमारे पास टू है, तो आप जरा चेक करिए कि जो मुझे चाहिए है, जो हमारे पास थ्योरम है हमसे कह रहा है ए डी अपॉन डी बी, तो हमारे पास ए डी अपॉन डी बी आ गया, हमसे कह रहा है ए ई अपॉन ई सी, तो हमारे पास ए ई अपॉन ई सी आ गया, अब सिर्फ हमें इन दोनों को इक्वल लाना है, वन एंड टू को हमें इक्वल लाना है, जरा मुझे बताएंगे जो भी हमने वन में किया हमने उसमें ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा लिया था, ए डी ई, और दूसरे वाले में भी, और दूसरे वाले में भी ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा लिया था, ADE, दोनों में हमने ऊपर वाला ट्राइंगल ADE ही लिया है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ऊपर जो ट्राइंगल है वो सेम है, लेकिन जो अगर हम बात कर रहे हैं नीचे वाले ट्राइंगल की, ठीक है भाई, हमारे पास क्या, हमने क्या कहा था, हमने EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, चलो मुझे ज्वाइन कर देते हैं, और हमने DE को ज्वाइन किया था, और हमने ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया था, ये वाला ट्राइंगल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो BDE में और CDE में क्या चीज है, सर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, सो उनका एरिया बराबर होगा, हाँ भाई ये बात सही है क्या, Yes, हमें हमारे पास, अच्छा दूसरी बात यह है आप सिर्फ ज्योमेट्री में ध्यान रखना, जो हमें गिवन होगा जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे वो प्रूव नहीं होगा, अभी तक आपने ये यूज नहीं करा कि DE पैरेलल टू BC है, अभी तक आपने ये यूज नहीं किया है, तो जो हमारी DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, और DE पे ही एक ट्राइंगल DEB बना है और DE पे ही एक ट्राइंगल DEC बना है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास DE पे ये ट्राइंगल बना है DEB और इसी DE पे ये ट्राइंगल बना है DEC, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC, तो इनका एरिया इक्वल होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो अपर वाला पार्ट है वो भी इक्वल है
और जो नीचे वाला ट्राइंगल है DBE और DEC वो भी इक्वल है, तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट साइड भी इक्वल आ जाएंगी। ये सिर्फ आपको लिखना है, क्या लिखना है ध्यान से देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सर आ गया समझ में? अब अगर आपके पास ये आ गया है तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट साइड आर इक्वल। सो ऊपर वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये बस हो, तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको करना, बताइए थोड़ा बहुत समझ में आया क्या सर? यस सर। हाँ जी, दोबारा से देख लीजिए, मैं एक बार रफली बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास बेटे, प्लीज एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है और ये हमने लाइन ड्रॉ किया है ABC, देयर इज लाइन DE, हमने क्या किया E से यहाँ परपेंडिकुलर डाला F और हमने इस B को ज्वाइन किया। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला जो ट्राइंगल था उनका एरिया कंपेयर किया। तो एरिया क्या आ गया था हमारे पास, ये A है, ये D है, ये E है और ये हमारे पास B है, तो दिस अपॉन दिस। फिर दूसरे में हमने क्या किया, हमने फिर इस ट्राइंगल को लिया ADE को और ये हमारे पास C था, इसको हमने लिया, तो ADE एंड DC। तो ऊपर आप देखेंगे, ऊपर दोनों बार में एक ही ट्राइंगल है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा, और नीचे जो दो ट्राइंगल हैं वो दोनों के दोनों एक ही बेस DE पे बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने हैं, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो जो एरिया यहाँ है, सपोज करो इसका एरिया मैं कह दूं 2 है तो इसका भी एरिया 2 है, और इसका एरिया 5 है तो इसका एरिया भी 5 है, तो दोनों का रेशियो 2/5 2/5 आया। तो अगर एरिया सेम है तो फिर जो साइड्स का रेशियो आ रहा है हाफ बेस इनटू हाइट की वजह से वो भी सेम होगा। तो ये हमने किया है, तो कोशिश कर लीजिएगा इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो दो अलग अलग वीडियो में और पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वहां पे भी उससे भी देख सकते हैं, क्योंकि जब सामने पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक अलग फील आता है। मैं अभी आपको बताऊं तो उससे भी अगर आप चाहें वीडियो चेक कर सकते हैं।